राजा था, उसकी चार बेटियां थी। उसने सोचा, इन चारों में से जो बुद्धिमान होगी उसे मेरा राजपाट सौंपूंगा। पर ये फैसला करे कैसे, वो सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझा। उसने एक दिन चार बेटियों को अपने पास बुलाया और सबको 100-100 गेहूं के दाने दिए और कहा, इसे आप अपने पास रखो और 5 साल बाद जब मैं मांगूंगा तब मुझे आप सब वापस कर देना। गेहूं के दाने लेकर चारों लड़कियां अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने वो गेहूं के दाने खिड़की से फेंक दिए और सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को ये गेहूं के दाने के बारे में कुछ याद आएगा, और जो याद आए भी तो क्या, भंडारा से लेके दे दूंगी। दूसरी बहन ने वो गेहूं के दाने चांदी के डिब्बे में डालकर मखमल के थैली में बंद करके सुरक्षा से अपने संदूकची में डाल दी और सोचा, जब पिताजी 5 साल बाद मांगेंगे तब ये मैं वापस कर दूंगी। तीसरी बहन सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी, उसे शरारतें बहुत पसंद आती थी और उसे गेहूं के दाने भूनकर खाना भी बहुत पसंद था। उसने वो दाने भुनवा कर खार डाले और खेल में मग्न हो गई। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि ये गेहूं के दाने पिताजी ने ऐसे नहीं दिए होंगे, इसके पीछे कोई तो मकसद होगा। पहले तो उसने बाकी बहनों की तरह उसे सहेज कर रखने का सोचा, पर वो नहीं कर पाई। 2-3 दिन वो सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे के खिड़की के पीछे वाले जमीन में वो दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, उसमें से दाने भी निकले। राजकुमारी ने ये तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। ऐसे कर 5 साल में उसके पास बहुत सारा गेहूं जमा हो गया। 5 साल बाद राजा ने वो चारों बहनों को वापस बुलाया और कहा, इस आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों बहनों को 100-100 गेहूं के दाने दिए थे और बोला था कि 5 साल बाद ये मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? बड़ी राजकुमारी भंडार जाके गेहूं के दाने लेके आई और वो राजा को देती है। राजा कहता है, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? पहले तो वो हाँ बोली, मगर राजा ने फिर से कड़क कर पूछा। फिर उसने सच बात बता दी। राजा ने दूसरी राजकुमारी को पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ पे हैं? दूसरी राजकुमारी अपने संदूकची से मखमल की थैली में से चांदी की डब्बी उठा के ले आई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। वो डिब्बी राजा के पास दी। राजा ने वो डिब्बी को खोल कर देखा तो सारे गेहूं के दाने सड़ गए थे। तीसरी राजकुमारी को उसने पूछा कि तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर अभी नहीं दे सकती, उसका जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं आपको वहाँ कल ले चलूँगी। राजा ने अब चौथी मतलब सबसे छोटी राजकुमारी को पूछा, उसने उसी बेपरवाही से जवाब दे दिया, उन दानों की कोई कीमत थी पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं, आप तो जानते हैं मुझे गेहूं के दाने भुने हुए बहुत पसंद हैं, तो मैं भुनवा कर खा दिया मैंने। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ते हैं? सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। अब राजा को तीसरी राजकुमारी से थोड़ी सी उम्मीद थी। दूसरे दिन वो तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई और कहा, चलिए पिताजी मैं आपको दिखाऊं कि वे गेहूं के दाने कहाँ हैं। राजा रथ पर सवार हो गया, रथ महल नगर छोड़कर आगे खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने कहा,
आखिर कहाँ रख छोड़े वे सोदाने? इन सोदानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ चक्कर लगवाओगी? तब तक रथ एक बड़े से खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा सामने बहुत बड़ी खेत की हरी भरी फसल खड़ी थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी जैसे कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा और राजकुमारी ने कहा, ये है वे सोदाने का फसल। मैंने वो सोदाने बोकर इसकी ये फसल तैयार की जो आज आपके सामने ये लाखों लाख दाने के रूप में है। राजा ने उसे गले लगाकर बोला कि अब मैं निश्चिंत हो गया, तुम ही होगी मेरी राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी।